ये स्टेज नजर आ रही है, यहाँ से ऊपर जाएंगे केबल कार के लिए और वहाँ से फिर हम अरनकेल के लिए ट्रैक स्टार्ट करेंगे। डंडा ले लिए, लेट्स गो। अरनकेल का 70% ट्रैक कर लिया और इट्स वेरी टफ। अंदाज़ा हो गया कि हमें रेगुलर वॉक स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि माशाल्लाह से हमसे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन ट्रैक कर रही हैं। इवन के मैंने जो पाँव से माजूर हैं उन लोगों को भी ट्रैक करते हुए देखा, लेकिन स्टिल हम 70 पे क्या 50 पे ही सांस फूल गई थी। राइट नाउ वी आर इट केल और उड़न केल जाना है और यहाँ से फुल ट्रैकिंग है, तो ट्रैकिंग के लिए हम लोग रेडी हो गए। ये एरिया है जहाँ पर अगर आप मेरी वेबसाइट पे देखेंगे पार्किंग होती हैं, बाइक्स भी पार्क होती हैं और गाड़ियाँ भी पार्क होती हैं, और यहाँ से आपका ऑलमोस्ट घंटे सवा घंटे डिपेंड करता है कि आप ट्रैक कैसे करते हो, तो ट्रैकिंग है। तो चले यहाँ से चलते हैं ट्रैक के ऊपर और देखते हैं कि हम ट्रैक कर पाएंगे कि नहीं ट्रैक कर पाएंगे। इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। सो लेट्स गो एंड उड़न केल। टाउबर्ट से हम लोग इस वक्त केल आए, केल में गाड़ी पार्क करी है और अब यहाँ से हम केबल कार के थ्रू अरनकेल की तरफ ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। बैक साइड पे है उसका सिस्टम ऊपर चढ़ने का, ये स्टेज नज़र आ रही है, यहाँ से ऊपर जाएंगे केबल कार के लिए और वहाँ से फिर हम अरनकेल के लिए ट्रैक स्टार्ट करेंगे। डंडा ले लिए, लेट्स गो। ये जी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है विद डंडा। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई, सांस अभी से फूल रही है, बट इंशाल्लाह ट्रैकिंग कंप्लीट करेंगे। सो चलते हैं आपको केबल कार की तरफ लेकर। अरनकेल का 70% ट्रैक कर लिया और इट्स वेरी टफ। अंदाज़ा हो गया कि हमें रेगुलर वॉक स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि माशाल्लाह से हमसे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन ट्रैक कर रही हैं। इवन के मैंने जो पाँव से माजूर हैं उन लोगों को भी ट्रैक करते हुए देखा, लेकिन स्टिल हम 70 पे क्या 50 पे ही सांस फूल गई थी। एक छोटा सा रेस्ट लिया है, नाउ ऊपर जाते हैं, क्योंकि जो लोग ऊपर से आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर ऊपर पहुंच के ना आपकी सारी थकावट निकल जाएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इस डंडे का मैं मजाक उड़ा रहा था, लेकिन वाकई अगर ये नहीं होता, ये ज़रूर रखें अपने साथ, ये आपको बहुत सपोर्ट करता है। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द ट्रैक। अगर आपको मैं दिखाऊँ कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, दिस इज़ द ट्रैक। ये नीचे से आ रहा है और यहाँ से अभी हमने इस तरह के ऑलमोस्ट 3 या 4 टर्न्स लेने, ये जाना है स्ट्रेट जा रहे हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं, ये शॉर्टकट है लेकिन बहुत स्ट्रेट है। आप स्ट्रेट जाइए, यहाँ से यूँ जाना है और ऊपर जा रहे हैं। तो लेट्स गो, ट्रैक स्टार्ट करते हैं। सर ट्रैकिंग करने के बाद वाकई जो उस बंदे ने बात कही थी वो सच निकली कि काफ़ी थकन निकल गई, और हम अब जा रहे हैं टूवर्ड कैंपिंग एरिया, कैंप करेंगे और इंशाल्लाह ताला आज का नाइट स्टे। और लेट्स सी, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वंस इन अ लाइफ टाइम ज़रूर करना चाहिए। हम लोग तो स्टिल ये अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वॉकिंग रखनी चाहिए, वरना मेरे जैसा हाल होने वाला है। लेट्स गो।
सा और आगे वॉक करके जाते हैं जहाँ पे हम अपना कैंप करेंगे। बहुत खूबसूरत जगह, फुल लश ग्रीन। बस साइड ढूंढते हैं कहाँ पर कैंप करना है और फिर वहाँ पे हम कैंप करते हैं। दिस विल बी आवर कैंप साइट। कैंप लग रहा है, बहुत अच्छी लोकेशन मिल गई है, एवरीथिंग इज देयर। इन अडनकेल तो यहाँ का सबसे ज़बरदस्त मंज़र है वो सनसेट और सनराइज है। जो भी आपको मिल जाए डोंट मिस इट। इस वक्त सन सेट हो रहा है और काफ़ी आवाम जा चुकी है क्योंकि जो डोली है, जो मतलब जिसको केबल कार कहेंगे, उसका एक टाइम मखसूस है, उसके बाद बंद हो जाती है और फिर वो कोई शायद इमरजेंसी हो तभी चलती है। तो उसके बाद देखें अब मगरिब बिल्कुल सनसेट होने वाला है।